पैरालीगल वॉलंटियर को कानून की जानकारी के लिए हमीरपुर जिला न्यायालय परिसर में सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें जिला एवं सत्र न्यायाधीश पद्म सिंह ठाकुर ने शिरकत की। सेमिनार के दौरान पैरालीगल वॉलंटियरों को कानून की बारीकियों की जानकारी मुहैया करवाई गई, ताकि कानून के बारे में किसी को परेशानी न हो और कानून के अनुसार न्याय पाने के लिए कैसे काम करें। हमीरपुर जिला न्यायिक परिसर में आयोजित पैरालीगल वॉलंटियरों के लिए सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें पैरालीगल सदस्यों को कानूनी केसों में किस तरह से निपटा जाए और केसों के निपटारे के अलावा मिल बैठकर भी फैसला कैसे करवाएं, ताकि अदालतों में भी केसों पर भार कम हो। सेमिनार में देश व प्रदेश भर में नए बनाए गए कानूनों की जानकारी दी गई और गरीबों के लिए कानून में क्या प्रावधान है, इन सभी बातों को सेमिनार के माध्यम से पैरालीगल सदस्यों को अपडेट किया गया। पैरालीगल वॉलंटियर के चेयरमैन एवं सेशन जज पद्म सिंह ठाकुर ने बताया कि पैरालीगल वॉलंटियरों को कानूनी जानकारी दी गई और कानून के दाव पेचों से गरीबों को किस तरह से न्याय मिले, इन सभी पहलुओं को लेकर सेमिनार में चर्चा की गई। डिस्ट्रिक्ट मीट रखी है पीएलवी, मतलब डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर के हैं हम, इनको समय समय पे ट्रेनिंग देते हैं। यहाँ जो हमारी लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी की डायरेक्शन के मुताबिक इन ये आज का कार्यक्रम हमने रखा हुआ है। जितने भी हमारे जिला हमीरपुर के पीएलवी हैं जो हमारे डिस्ट्रिक्ट लीगल एड सर्विस से जुड़े हैं, ताकि वो जितनी भी हमारी डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी की तरफ से दी जाने वाली सहायता प्रत्येक जो निर्बल है, असहाय है या अनुसूचित जनजाति से संबंध रखता है, ऐसे लोगों की सहायता के लिए और जो गरीब हैं, जिनकी आय वार्षिक आय 1 लाख रुपए से कम है, महिलाओं के लिए और जो आरक्षित वर्ग हैं उनके लिए, मजदूरों के लिए, ये बच्चों के लिए और वृद्धों के लिए, इसमें आय का भी कोई क्राइटेरिया नहीं रखा गया है, कोई सीमा तय नहीं की गई है, उन लोगों को हम मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करते हैं। इस कार्यक्रम में पीएलवीस को इसलिए समय समय पर ट्रेन किया जाता है, ताकि वो जितनी भी हमारी सर्विसेज फ्री लीगल एड सर्विसेज समाज के लिए सरकार द्वारा जो बनाई गई है या उनको दी जाने वाली जो सहायता है, वो हम इनको समय समय में यहाँ बुलाकर इस ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजन करते हैं। इस ट्रेनिंग के दौरान इनको जितनी भी हमारे लीगल सर्विस अथॉरिटी के तरफ से दी जाने वाली पॉलिसीज हैं, प्रोग्राम्स हैं, उनके बारे में बताया जाता है, ताकि ये जानकारियाँ जन जन तक पहुँचाएँ। जो भी पात्र व्यक्ति हैं वो अपने लिए न्याय प्राप्त करने में कोई असुविधा महसूस ना करे, वो भी एक जो अपने आप को एक कल्याणकारी राज्य का सदस्य समझते हुए और अपनी असमर्थता को आड़े ना आने दें। किसी भी व्यक्ति जो किसी कानूनी विवाद से घिरा है या उस पर कोई कानूनी कार्यवाही करनी है या उसने किसी के खिलाफ करनी है अपने न्याय प्राप्त करने के लिए, तो उन लोगों को हम ये सहायता प्रदान करते हैं। तो लोगों के जो अन्य सरकार की जो जन सुविधाओं के लिए, गरीब लोगों की सुविधाओं के लिए और उनके भलाई के लिए जितनी भी गवर्नमेंट की भी स्कीम्स हैं, उनके बारे में भी इनको हम जानकारियाँ देते हैं, ताकि सरकार और जो हमारे नेशनल लीगल सर्विसेज एंड स्टेट लीगल सर्विसेज जो अथॉरिटी है और डिस्ट्रिक्ट हमारी लीगल सर्विस अथॉरिटी उनके अंडर काम कर रही है, तो हम लोग समय समय पर ये सारे कार्यक्रम आयोजित करते रहते हैं। लीगल लिटरेसी कैंप्स भी लगाते हैं हम, इनको लोक अदालत, प्री लिटिगेशन और मीडिएशन, इन सब जो पॉलिसीज हैं और प्रोग्राम, उनके बारे में भी हम उनको जानकारी देते हैं, ताकि जो बहुत अदालतों में बहुत सारे केसेस जो लंबे समय तक चलते हैं, वो ऐसे लंबे समय तक ना चलें, लोग अपने विवादों को रजामंदी से, मीडिएशन से, लोक अदालत के माध्यम से, प्री लिटिगेशन के माध्यम से सुलझाएं, ताकि अदालतों पर भी काम का बोझ कम रहे। और क्योंकि हमारे भारतवर्ष में बहुत सारे
अदालतों में बहुत केस पड़े हैं और बहुत समय लगता है, प्रोसीजर इतना लंबा चौड़ा है कि उसको विद इन टाइम फ्रेम लोगों का विवाद निपटाने में कम संख्या में जो हमारे न्यायिक अधिकारी हैं और बहुत ज़्यादा मेहनत करके वो मेहनत करते हैं, फिर भी हम जो हमारे लिटिगेशन जो लॉन्ग पेंडिंग लिटिगेशन है उसको निपटाने में हम सक्षम नहीं हो पा रहे हैं, तो उस चीज़ से लोगों को और विवादग्रस्त लोगों को निजात दिलाने के लिए हम ये हमारी डिस्ट्रिक्ट जो लीगल सर्विसेज अथॉरिटी है वो काम कर रही है। इसके अतिरिक्त लोगों को कानून के बारे में जितने भी हमारे देश में प्रदेश में जो नए गरीब लोगों की भलाई के लिए अपने समाज की कल्याणकारी राज्य होते हुए लोगों की भलाई के लिए जितने भी नए कानून बनते हैं लोगों के जिसमें हक हकूक तय किए गए होते हैं उनकी जो अधिकार है वो उनको बताए जाते हैं, तो और भी चलना है।